अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला रीवा के अंतर्गत बरा कठार इकाई के तत्वाधान में कठार स्कूल के प्रांगण में भारत पाक 1971 के युद्ध में भारतीय सैनिकों द्वारा अदम्य साहस और शौर्य पराक्रम दिखाते हुए पाक सेना को मात्र 13 दिनों में परस्त कर 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया, जो एक ऐतिहासिक विजय थी। उसी के उपलक्ष्य में विजय दिवस समारोह का आयोजन किया गया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमांडर अमर सिंह ने विशिष्ट अतिथि विंग कमांडर यूबी सिंह पूर्व जिला सैनिक कल्याण अधिकारी रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय सचिव साजिट रमेश पांडे ने किया। मुख्य अतिथि अपने उद्बोधन में कहा कि भारत की सेना के पराक्रम के सामने कोई देश की सेना ठहर नहीं सकती है। हमारे सैनिक हमेशा मातृभूमि की रक्षा में हमेशा विषम परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं और अपना सर्वोच्च बलिदान देने में भी पीछे नहीं हटते हैं। विशिष्ट अतिथि ने यूबी सिंह ने कहा कि आज हम सभी सुरक्षित अपने घरों में हैं, वह हमारी सेना की बदौलत है। बलिदानी वीर सपूत किसी धर्म जाति व परिवार का नहीं होता है, वह राष्ट्र की धरोहर है। उनके परिवार का ख्याल रखना हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है। विशिष्ट अतिथि जिला उपाध्यक्ष व पार्षद कैप्टन सालिग राम नापित ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह एक ऐतिहासिक विजय भारतीय सेना ने दिलाया, जिससे हम सभी भारतवासियों को अपूर्व गौरव मिला और विश्व भर में भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में उदय हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय सचिव सार्जेंट उमेश पांडे ने अपने उद्बोधन में बताया कि अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद पहली बार भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को नमन करते हुए पहला विजय दिवस समारोह 1996 में दिल्ली के इंडिया गेट में मनाया, जिसमें तत्कालिक राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। तब से पूरा राष्ट्र इज्जत इकबाल का पर्व विजय दिवस धूमधाम गरिमा पूर्वक मनाया जाता है और सभी देशवासी अपनी भागीदारी निभाते हैं। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन कैप्टन बीजी शर्मा ने दिया और संचालन सुबंदार मेजर संतोष कुमार तिवारी द्वारा किया गया। आभार ज्ञापित कार्यक्रम के संयोजक व बरा कठार इकाई के अध्यक्ष पूर्व सरपंच सिपाही तीरथ प्रसाद उपाध्यक्ष द्वारा किया गया। परिषद की मीडिया प्रभारी दिवाकर द्विवेदी ने बताया कि कार्यक्रम में जिले के बलिदानियों के निम्न वीर नारियों व माता पिता को सम्मानित किया गया। जो हमारे सैनिकों ने 1971 में अपने अदम्य साहस और बलिदान दिया और अपना जज्बा दिखाया, जोश दिखाया, उस विजय दिवस को मनाने के लिए हम सब इस कठार के विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम उस माँ भारती के नमन करता हूँ और उन बलिदानियों को नमन करता हूँ जिनकी वजह से ये दिवस मनाने के लिए हम सबको ये समय और ये सुखी प्राप्त हुई, खुश प्राप्त हुआ कि हम इस कार्यक्रम को हमेशा अनवरत मनाते आए। मैं उस माँ भारती के बलिदानियों की, उन वीर नारियों को, उन वीर माता को, उन वीर पिता को चरणों में वंदन देता हूँ जिन्होंने अपने कोख को, अपने हाथ की कलाई को, अपने सुहाग को, सिंदूर को, सबको खोया। ऐसे वीर माताएं, वीर नारियां और वीर पिता को, उनको चरण वंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि इतने सहज हम उनके घर नहीं जा पा सके, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला रीवा इकाई और हमारी एक सब इकाई बरा कठार, जिसके तत्वाधान में 1971 युद्ध का ऐतिहासिक विजय दिवस के रूप में इसको हम सब मना रहे हैं और आज इस कठार स्कूल के प्रांगण में हम सब लोग एकत्रित हैं और उसी तारतम्य में ये कार्यक्रम रखा गया। और ये विजय दिवस एक ऐतिहासिक विजय दिवस है। हमारी जो सेना है अदम्य साहस और पराक्रम दिखाते हुए दुश्मन देश के 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया और उनको बंदी बना करके अपने भारत में लाई और एक दूसरे देश का जन्म हुआ जो आज बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। उससे पहले सामरिक दृष्टिकोण से हमारे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, दो देश के बीच में हमारा देश फंसता था जिसके लिए हमेशा कठिनाइयां होती थी। तो उस समय हमारे तात्कालीन जो हमारी प्रधानमंत्री और सेना के जो जनरल इन चीफ हमारे जनरल मानिक शाह थे, उनके सूझबूझ, उनके नेतृत्व में हमारी देश ने 13 दिन के अंदर ही पराक्रम दिखाया और उस पराक्रम को, उस शौर्य को हम लोग गुणगान करने के लिए, उनको नमन करने के लिए ये विजय दिवस
मनाते चले आ रहे हैं हर वर्ष। अपना नाम बता दीजिए। मैं और इस विजय दिवस पे अपने रीवा जिले के 3 वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया और अन्य जो युद्ध हैं उनके वीर बलिदानियों का भी हम लोग आज सम्मान किया जो हमारे रीवा जिले के लिए, उनमें से सभी का सम्मान करना हम लोगों का अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का नैतिक जिम्मेदारी बनती है और उसी कार्यक्रम में आज हम उनको पुष्प अर्पित करके उनको नमन किया। साजेंट रमेश पांडे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का राष्ट्रीय सचिव का दायित्व।